के 200% पे ये रन कर रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे नोटिफिकेशन पैनल में भी आपको वॉल्यूम बूस्टर मिल जाता है। तो दोस्तों, अगर आप भी रियलमी का यहाँ पे डिवाइस यूज करते हैं और रियलमी का कोई भी डिवाइस यूज करते हैं और अपने डिवाइस में वॉल्यूम को जो है बूस्ट करना चाहते हैं, साउंड क्वालिटी को जो है बूस्ट करना चाहते हैं, तो आज की इस वीडियो के थ्रू इसी टॉपिक के ऊपर जो है मैं बात करने वाला हूँ, कैसे आपको यहाँ पे अपने डिवाइस में जो है साउंड क्वालिटी को जो है यहाँ पे बूस्ट करना है। वीडियो को आप कंप्लीट जरूर से देखिएगा और वीडियो को आप लाइक जरूर से कीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि फ्यूचर में जब भी हम वीडियोस अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको हमारे वीडियो अपलोड करते ही मिल जाए। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सोशल साइट्स के लिंक प्रोवाइड करवाए गए हैं, उनको जरूर से फॉलो कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, उसको भी आप जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। तो दोस्तों, आप जब भी अपने डिवाइस में यहाँ पे कोई भी म्यूजिक प्ले करते हैं या फिर कोई भी वीडियोस प्ले करते हैं, तो उसमें जो साउंड क्वालिटी होती है वो यहाँ लिमिटेड होती है, मतलब कि आप यहाँ पे उसको बूस्ट नहीं कर पाते। लेकिन यहाँ पे जो मैं ट्रिक बताने वाला हूँ, इस ट्रिक की हेल्प से जो है आप अपने डिवाइस में जो है यहाँ पे वॉल्यूम को जो है बूस्ट कर सकते हैं। कहीं ना कहीं यहाँ पे कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट आपको डेफिनेटली जो है देखने को मिलने वाला है। तो कैसे आपको साउंड को बूस्ट करना है, आप रियलमी का अगर कोई भी डिवाइस यूज करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा मोर देन इंफॉर्मेटिव होने वाली है। तो देन अभी बात करने वाले हैं कि इस तरीके से आपको यहाँ पे यूज करना है इस ट्रिक को। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ इसके लिए करना क्या होगा। इसके लिए सिंपली आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आपको चले जाना है। जैसे ही आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे वहां पे आपको एक एपीके का लिंक मिलेगा, ठीक है। आपको सिंपली इस एपीके को जो है डाउनलोड कर लेना है और ये एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर में भी जो है देखने को मिल जाती है, ठीक है। सिंपली आपको इसको डाउनलोड कर लेना है। जैसे ही आप इसको डाउनलोड करेंगे तो सिंपल इसको ओपन कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे सिंपल आपको इसको ओपन करना है, यहाँ पे EZ जो बूस्टर वॉल्यूम है ये आपको देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों, जैसे आप इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको लैंग्वेज सिलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा, तो आप यहाँ पे सिस्टम पे टैप कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे टैप करने के बाद यहाँ पे नीचे स्टार्ट का एक ऑप्शन मिलता है, आपको सिंपली स्टार्ट पे जो टैप कर लेना है और यहाँ पे आपको सिंपली अलाउ पे जो है क्लिक कर लेना है और यहाँ पे सिंपली इसको अलाउड कर लेना है, ठीक है। अब जैसे ही आप अलाउड करेंगे तो यहाँ पे आपको 3 से 4 ऑप्शन मिलते हैं जो कि सिस्टम प्ले ऑप्शन मिलता है, ठीक है। और नीचे आप देख सकते हैं मैक्सिमम यहाँ पे आप जो है वॉल्यूम को इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। वार्निंग यहाँ पे मिल जाता है क्योंकि आपको जब भी आप मैक्सिमम करते हैं तो ये सीधा इफेक्ट आपके स्पीकर पर पड़ने वाला है। तो मे बी आप अपने अकॉर्डिंग जो है एडजस्ट करके वॉल्यूम को इंक्रीज कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे इसका इफेक्ट जो है स्पीकर पे भी होने वाला है, ठीक है। और क्योंकि आपको पता है यहाँ पे साउंड की क्वालिटी अगर 200% होती है तो कहीं ना कहीं डेफिनेटली जो है यहाँ पे जो है स्पीकर पे इसका इफेक्ट होता है। फिलहाल इसको ओपन कर लेना, इस तरीके से अलाउड कर लेना, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं जैसे हमने मैक्सिमम यहाँ पे टैप किया हुआ, ठीक है। आप चाहें तो यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। वहाँ पे आपको ऊपर भी एक यहाँ पे मिल जाता है टैब, यहाँ पे इस टैब में जो है पूरा यहाँ पे क्लस्टर में आपको यहाँ पे मिल जाता है जो जो यहाँ पे आप कर रहे हैं, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग सेटिंग, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैं अगर 100% करता हूँ तो ये देख सकते हैं नॉर्मल ये वे है, ठीक है, नॉर्मल मतलब वॉल्यूम है। अब यहाँ पे बढ़ा सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, और मैंने यहाँ पे इसको बूस्ट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे आप प्ले कर सकते हैं, ठीक है। ये देख सकते हैं प्ले का ऑप्शन मिलता है, आप अलाउड पर क्लिक कर सकते हैं और अलाउड पर क्लिक करने के बाद आपको सिंपली करना क्या होगा कि यहाँ पे इसको सिंपली अलाउड कर देना, ठीक है। ये इस तरीके से यहाँ पे अलाउड करना है। अब यहाँ पे आप जो है टैप टू म्यूजिक प्ले मिलता है, ठीक है। तो दोस्तों, यहाँ पे एज ए प्रैक्टिकल मैंने यहाँ पे एक म्यूजिक को जो है सर्च कर लिया जो कि NCS का, ठीक है। और ऑलरेडी हमारा ये जो ऐप रन कर रहा है यहाँ पे देख सकते हैं वॉल्यूम बूस्ट के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसको प्ले कर लेते हैं, ये देख सकते हैं इसका जो आवाज़ है काफ़ी ज़्यादा जो लाउड है देखने को मिल रहा है, ठीक है। और डेफिनेटली यहाँ पे स्पीकर पे भी यहाँ पे वाइब्रेशन हो रहा है, बिकॉज यहाँ पे जो हमारी जो साउंड क्वालिटी है वो काफ़ी ज़्यादा बूस्ट हुई है, ठीक है। अब मैंने आपको बताया ना इसमें स्पीकर पे भी इफेक्ट पड़ सकता है, तो इसलिए आप मे बी अपने अकॉर्डिंग जो इसको यूज़ कर सकते हैं। फिलहाल देख सकते हैं ये रन कर रहा है और यहाँ पे आराम से जो है बूस्ट रेड कलर का आपको दिख रहा है, ठीक है, बूस्ट मिल रहा है। तो यहाँ से आप चाहें तो इसको अपने अकॉर्डिंग जो है कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं, ठीक है। मैक्सिमम वैसे मैंने ऑलरेडी किया हुआ था, ठीक है। तो जैसे ही आप यहाँ पे हो तो उसके अकॉर्डिंग आप प्ले कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें मिल जाती है देखने को, और आप चाहें तो इसको अपने अकॉर्डिंग एप्लीकेशन को जो है डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ऐप का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो इजीली जो है आप इसको यहाँ पे वॉल्यूम को बूस्ट कर सकते हैं। पूरी इन्फॉर्मेशन मैंने इस वीडियो के थ्रू डिस्कस कर लिया है, और डेफिनेटली जो है यहाँ पे आप इस तरीके से जो है वॉल्यूम को अगर इंक्रीज करना चाहते हैं, बूस्ट करना चाहते हैं, तो पूरी तरीका मैंने इस वीडियो के थ्रू आप तक जो है डिस्कस कर लिया है। तो होपली इस वीडियो के थ्रू आपको पूरी इन्फॉर्मेशन जो है प्रोवाइड हो गई होगी। तो वीडियो को आप लाइक जरूर से कीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि फ्यूचर में जब भी हम वीडियोस अपलोड करें तो उसको नोटिफिकेशन आपको हमारे वीडियो अपलोड करते ही मिल जाए। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सोशल साइट्स के लिंक प्रोवाइड करवाए गए, उनको फॉलो कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू सो मच।